देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 18,985। अब तक 603 लोगों ने गवाई जान, 3,252 लोग हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 945 मरीज मिले, 44 शख्स तोड़ा दम। एक दिन में 705 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 14 दिन में 61 जिलों में नहीं मिला कोरोना का कोई संक्रमित। आईसीएमआर का बयान, अब तक 4,49,810 लोगों की हो चुकी है जांच। कोरोना से लड़ने के लिए 5 वैक्सीन पर किया जा रहा है काम, आईसीएमआर ने दी जानकारी। आईसीएमआर ने फिलहाल 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट करने से राज्यों को रोका, 2 दिनों के बाद रैपिड टेस्ट किट के बारे में बताएंगे। रैपिड टेस्ट को लेकर राजस्थान ने की थी शिकायत, कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट रैपिड टेस्ट में आई थी नेगेटिव। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4,669। अब तक 252 लोगों की मौत, 572 लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 466 नए मामले, 9 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के अब तक 2,081 केस, 47 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 78 नए मामले, 2 लोगों की मौत, 141 ठीक हुए। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा वायरस, एक कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद 125 परिवार क्वारंटीन। लोकसभा सचिवालय के हाउस कीपिंग स्टाफ का एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती। दिल्ली में 8 पुलिसकर्मी और कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनमें चांदनी महल इलाके के 5 और नबी करीम इलाके के 3 पुलिसकर्मी शामिल। दिल्ली में 84 हॉटस्पॉट घोषित, सीपी में आयुष्मान भारत का दफ्तर भी सील, कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पत्रकारों के लिए बनाया जांच सेंटर, पत्रकार करा सकते हैं कोरोना का टेस्ट। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, ग्लव्स सैनिटाइजर मास्क तक नहीं दिया गया। ओखला सब्जी मंडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से हो रही है निगरानी। कोरोना के कहर के चलते दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील, सड़क पर गाड़ियों की दिखी लंबी कतार। दिल्ली के कृष्णानगर में लॉकडाउन का उल्लंघन, शटर बंद करके नाई काट रहा था 8 से 10 लोगों के बाद। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,294, 20 की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 210 नए मरीज, 1 की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं लॉकडाउन की समीक्षा, हॉटस्पॉट में पूरी टेस्टिंग और हॉटस्पॉट के बाहर भी टेस्ट करने के निर्देश। लखनऊ में बीजेपी सांसद ने पुलिसकर्मियों का किया सम्मान, फूलमाला और तालियों से स्वागत। वाराणसी में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी, नियम तोड़ने पर दारोगा ने टोका तो दारोगा से उलझे कांग्रेस नेता। लॉकडाउन के बीच मेरठ में हुई वर्चुअल शादी, सऊदी में लड़का, मुंबई में लड़की, मेरठ में मौलवी ने निकाह पढ़ाया। उन्नाव में इंजीनियरिंग ने बनाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाली मशीन, नियम टूटते ही बजेगा अलार्म। झांसी में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल, कोरोना संक्रमण से बेपरवाह दिखे लोग। मुरादाबाद में कोरोना के 15 नए मरीज, पत्थरबाजी करने वाले 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव। बीएचयू में शुरू हुआ ओपीडी, ज्यादा मरीजों के आने से व्यवस्था चरमराई। हमीरपुर में पीने के पानी के लिए लगी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। इजावा पुलिस ने दिव्यांग के साथ दिखाई मानवता, थाना प्रभारी ने प्राइवेट एम्बुलेंस करके पहुंचाया घर, खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया। रामपुर में बैंकों की पहल, लोगों को डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है पैसा। हमीरपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक की पहल, व्हाट्सएप के जरिए स्कूली बच्चों को दे रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा। एटा में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने कराई उठक बैठक, तख्ती पकड़वा कर कहलवाया समाज का दुश्मन। डीएम के आदेश के बाद गाजियाबाद में बॉर्डर पर पुलिस ने बैंक कर्मी, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, गृह मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों को भी रोका। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले, अब तक 46 लोग हो चुके हैं संक्रमित। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया, जमात के लोगों को छिपाने का आरोप। प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में आए 30 जमातियों में 16 विदेशी नागरिक, सभी पर महामारी एक्ट विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जमातियों के संपर्क में आने वाले हैं सभी पीड़ित, 2 हफ्ते से थे क्वारंटीन। गाजियाबाद में आज 1,194 लोगों के कटे चालान, 23 गाड़ियां सीज, वसूला गया करीब 50,000 का जुर्माना। 9 में 2 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 102, सेक्टर 8, सेक्टर 19 भी किए गए सील। सहारनपुर में 10 मेडिकल स्टाफ को 14 दिन के लिए किया गया है क्वारंटीन, अब तक 29 स्वास्थ्य कर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। सुल्तानपुर में निकला पहला कोरोना पॉजिटिव, अब तक कोरोना फ्री था सुल्तानपुर। महुआ में तहसीलदार ने दारोगा से की बदसलूकी, दारोगा ने 2 लेखपालों को एक बाइक पर जाने से रोका था। मथुरा में कोरोना की जंग में धर्माचार्य शामिल, 30 देशों के 1,331 लोग ऑनलाइन करेंगे रुद्राभिषेक। पौड़ी में सीएम योगी के पिता का हुआ अंतिम संस्कार, लखनऊ में अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि।
गोरखपुर में पुलिसकर्मी जरूरतमंदों में बांट रहे खाना, लोगों को घरों में रहने की दे रहे हैं सलाह। यूपी के मेरठ में प्रेग्नेंट महिला समेत 7 कोरोना संक्रमित, 30 लोग क्वारंटीन। फिरोजाबाद में खाना न मिलने से परेशान महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को रोका, प्रदर्शन कर विरोध जताया। मुंबई में सीएम के सरकारी आवास के बाहर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित, 6 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। इसी इलाके में सीएम के अलावा कई मंत्रियों के भी आवास। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, ज्यादातर लोगों में नहीं थे कोरोना के लक्षण। बीएमसी के 2 कर्मचारियों में भी नहीं दिखे बीमारी के लक्षण, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच शुरू। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 179 लोगों को कोरोना का संक्रमण, अब तक 12 की मौत। बारामती में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, बीच सड़क पर कराया योगा। मुंबई के पास समुद्र में 32 दिन से क्रूज में फंसे हैं 600 लोग, क्रू मेंबर ने बाहर निकालने की गुहार लगाई। शिवसेना नेता मयूर किशोरी पेटनेकर ने खुद को किया क्वारंटीन, किशोरी पेटनेकर की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। फंसे हैं 600 लॉकडाउन के बीच नवी मुंबई के वासी में टोल नाके पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, लगा जाम। पुणे पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से बढ़ती सख्ती कराई उठक बैठक। अकोला में 7 से 8 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,576, 25 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 98 नए मामले, 24 घंटे में 11 लोगों ने तोड़ा दम, 22 स्वस्थ हुए। जयपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल में रैपिड टेस्ट किट फेल, कोरोना संक्रमित 100 मरीजों में सिर्फ 5 को ही दिखाया पॉजिटिव। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, आईसीएमआर से मिले थे 198 रैपिड टेस्ट किट से मिल रहे हैं सिर्फ 4 से 5% ही सही रिजल्ट। जोधपुर में लॉकडाउन का पालन करा रही सुरक्षा बल की टीम पर पथराव हुआ, एसडीआरएफ का जवान गंभीर रूप से घायल। बिहार में कोरोना के 13 नए मरीज मिले, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 126, अब तक 2 की मौत। बिहार में अब तक 12,000 से ज्यादा हुए टेस्ट, 90% मामले सिवान, नालंदा, मुंगेर, बेगूसराय के। समस्तीपुर में विधायक की शानदार पहल, मनरेगा मजदूरों को शुरू किया कम्युनिटी किचन उनके लिए। बिहार के अररिया में कृषि अधिकारी ने होमगार्ड से कराई उठक बैठक, होमगार्ड ने ड्यूटी के दौरान पूछताछ के लिए रुकवाई थी अधिकारी की गाड़ी। पटना में बीएमसीएच में लगी आग पर पाया गया काबू, जान मान का नहीं हुआ नुकसान। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 254, 3 की मौत, 127 स्वस्थ हुए। हरियाणा में 24 घंटे में 21 कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 40 लोग स्वस्थ हुए। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में सर्वे करने पहुंची स्वास्थ्यकर्मियों को लोगों ने पीटा, स्वास्थ्यकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिसार में आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ई ट्रेडिंग से नाराज है आढ़ती। ई ट्रेडिंग के विरोध में फतेहाबाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन। झारखंड में कोरोना के 4 नए मरीजों के बाद संक्रमितों की संख्या 46, अब तक 2 की मौत। राज्य के इंडस्ट्रियल इलाके में पसरा सन्नाटा, उद्योग का कामकाज खुलने की घोषणा के बावजूद खौफ में है मजदूर। रांची में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी केस का ही हो रहा है इलाज, सीएम ने आज से अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज का दिया था आदेश। रांची में कोरोना संक्रमित महिला की मौत, रिम्स में चल रहा था इलाज। मध्य प्रदेश में 67 नए केस मिलने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,552, अब तक 80 की गई जान। ग्वालियर में एएसएफ ग्राउंड पर पुलिसकर्मियों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मस्ती मजाक, ग्रुप में सेल्फी लेते दिखे पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काम पर लौटे डॉक्टर, डीएम की बदतमीजी से नाराज होकर की थी हड़ताल। सतना में एसपी ने लोगों को सिखाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ, कहा सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगे अंजाम। भोपाल में शिवराज की सरकार का विस्तार, कल 5 मंत्रियों ने ली शपथ, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए 2 बागी विधायकों की लगी लॉटरी। गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 1,939 बीमार, 71 लोगों की मौत। अहमदाबाद के मार्केट यार्ड में 100 किसानों को महज 1 ट्रैक्टर फसल लेकर आने की छूट, किसानों ने कहा खराब हो जाएगी फसल। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 392, 12 की मौत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राजा बाजार का किया दौरा, लोगों को घरों में ही रहने की नसीहत। हावड़ा में लॉकडाउन की उड़ाई गई धज्जियां, क्रिकेट खेलते दिखे लड़के। केरल में कोरोना के 19 नए मरीजों के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 424, 3 की मौत। तेलंगाना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 873, 23 लोगों की अब तक मौत, 190 ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 722 मरीज, 20 लोगों की मौत, 92 ठीक हुए। कर्नाटक में मरीजों की संख्या हुई 408, 16 की मौत, 112 ठीक। ओडिशा में स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना से मौत पर मिलेगा 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकार देगी शहीद का दर्जा।
कोची में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी, किया फ्लैग मार्च। चेन्नई में सिटी कमिश्नर ने दी चेतावनी, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले अगर तोड़े नियम तो होगी सख्ती। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, 500 बार लिखवाया सॉरी। तिरुवनंतपुरम में नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं पुलिसकर्मी, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। तरनतारन में कोरोना से जागरूक करने के लिए बनाई गई है एंटी कोरोना कमांडो टीम, टीम में दो महिलाएं भी शामिल।